नमस्कार आसामीज प्रिपेरेशन चेनेल आपनक स्वागत जानाइछो आरो आजि आमि जुवा विभिन्न एग्जाम समय आसाम पुलिस और ए पी डि सी एल कईटाम प्रश्न आम कलेक्ट कर आनीस जीवन अपना विभिन्न एग्जाम कारण प्रयोजन हम विशेषको आसाम पुलिस और ए पी डि सी एल आदि एग्जाम कारण और आपल चार अपशन पा एट अपशन शुद्ध थको आम उत्तर तो दियार आगते अपने जो दी पे अपने कईटा उत्तर करे कमेन्ट जाना नपहर और भिडिओ स्टार्ट करा जा प्रथम प्रश्न तो आसमार जो कौन देशक परास्त कर भारत उन्नीस तिरशी सन में प्रथम बार विश्वकप जय कर प्रश्न आसान जिम्बाबुए पाकिस्तान अस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ये चार अपशन आज है कौन तो देशक कौन तो दलक पराजित कर भारतवर्ष उन्नीस तिरशी सन में प्रथम बार विश्वकप जय कर शुद्ध उत्तर तो हम चार उत्तर आज है एट उत्तर सीट हल वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीजक पराजित कर भारतवर्ष प्रथम बार विश्वकप जय कर उन्नीस तिरशी सन मन रखिले हल आम परवर्त प्रश्न से मणिपुरी नृत्य व्यवहार हुआ वाद्यजंत्र नाम कि अपशन आज है सेतार सेहनई तबला पुंग अपनी मन रखे एट शुद्ध उत्तर हम जिमान उत्तर नाथक क्य उत्तर तो हल घनम्बर पुंग पुंग हल मणिपुर नृत्य व्यवहूत वाद्यजंत्र गति के एन्सार नम्बर तो हल घर परवर्त प्रश्न हल उत्सवे शिख खालसा आरम्भणी सूचा शुद्ध उत्तर आज एटा किन्तु अपशन आज चार लहरी गुगा नवमी गुरुपर्व और बैशाखी शुद्ध उत्तर तो हल बैशाखी बैशाखी उत्सवे अपना शिख खालसा आरम्भणी सूचा तो शुद्ध उत्तर तो गल यार परवर्ती प्रश्न चार नम्बर तो हल तिरुपति बालाजी मंदिर भारत कौन अंश अवस्थित ये अपशन आज चार क नम्बर दक्षिण पश्चिम घ दक्षिण घ नम्बर उत्तर पश्चिम और घ नम्बर आज पश्चिम एटा उत्तर हम शुद्ध और ये उत्तर तो दक्षिण अर्थात दक्षिण फाले तिरुपति बालाजी भारत दक्षिण अंश तिरुपति बालाजी मंदिर अवस्थित यार प्रश्न हल मालेशियार राजधानी कि यहाँ से पोर्ट ब्लेयर बैंकॉक कुआलालामपुर और जाकार्ता चार अपशन आज शुद्ध उत्तर तो हल अपना कुआलालामपुर अर्थात कुआलालामपुर हल मालेशियार राजधानी मन में रख शुद्ध उत्तर तो केवल बाकी मन में नाराखिले चले यार प्रश्न से आंदामान और निकोबर द्वीपपुंजर मुख्य कार्यालय कत अवस्थित अपशन आज चार क नम्बर कोदिक्काराय मेंगुनेरी पोर्ट ब्लेयर इरे एट न शुद्ध उत्तर तो हम अपना एटा और ये शुद्ध उत्तर तो हल नम्बर ग पोर्ट ब्लेयर आंदामान और निकोबार आइलेंडर मुख्य कार्यालय अवस्थित आठ नम्बर प्रश्न तो हल ये ए टी एमर सम्पूर्ण रूप तो कि अपशन आज क नम्बर ऑल टाइम मानी ख नम्बर ऑटोमेटेड टेलर मेसिन और ग नम्बर आज ऑटोमेटेड टेलर मेसिनारी और घ नम्बर आज हमारे ये ऑटोमेटिक ट्रांजेक्टिंग मानी ट्रांजेक्टिंग मानी हो नहब और शुद्ध उत्तर एटा हम शुद्ध उत्तर तो हल अपना ख नम्बर अर्थात ऑटोमेटेड टेलर मेसिन ऑटोमेटेड टेलर मेसिन यार ए टी एमर सम्पूर्ण रूप नौ नम्बर प्रश्न तो हल स्वाधीन भारत अंतिम गवर्नर जेनेरल कौन आर्थात अंतिम जन जेनेरल गवर्नर कौन आपशन आज लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड येवेल और आज विलियम बेंटिंग और आज एट रजा सरी श्री रजा गोपालचारी शुद्ध उत्तर तो हल अपना एटा और यू हल घ नम्बर अर्थात रजा गोपालचारी आज भारत अंतिम जन गवर्नर जेनेरल नेक्स्ट और दह नम्बर क्वेश्चन तो हल तुम्हें मोक तेज दिया मैं तुमक स्वाधीनता दिम कथाखार कने कैसी ये अपशन आज बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और आज नेताजी सुभाष चंद्र बसु ये चार अपशन आज शुद्ध उत्तर तो हल अपना ये घ नम्बर अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बसुए कैसी तुम्हें मोक तेज दिया मैं तुमक स्वाधीनता दिन मन में रखिले हल प्रश्न उत्तर तो ये अपना इम्पर्टेन्ट आए प्रश्न तो वायुसेना बाहन सेना दक्ष जन कौन आर्थात प्रथम वायुसेना बाहन प्रथम जन सेना दक्ष कौन आुद्ध उत्तर तो हम इतना चार अपशन आए प्रथम तो आज एस मुखार्जी थमास समहेस्ट और द्वित एल भेलाओ और जेराल्ड गिप्स चार अपशन आए कितनी मन रखे भारतीय वायुसेनार प्रथम जन सेना दक्ष आज एस मुखार्जी अर्थात शुद्ध उत्तर तो हल अपना ख नम्बर सरी क नम्बर एस मुखार्जी हल
प्रथम जन भारतीय सेना बाहिनीर मुख्य सेनाध्यक्ष आसिल। एबार प्रश्न तो हल श्रेष्ठ अभिनेतार बटा लाभ करा भारतर एकमात्र पुरुष अभिनेता जन कौन आसिल? ऑप्शन आछे आमिर खान, परेश रावल, निर्मल पांडे और संजय दत्त। चारिटा ऑप्शन आछे जेदा कौनजने प्रथमबारर बाबे श्रेष्ठ अभिनेतार बटा लाभ करिसिल। एबार उत्तरटो होइछे निर्मल पांडे। अर्थात निर्मल पांडे प्रथम जन व्यक्ति आसिल बा अभिनेता आसिल जिजने श्रेष्ठ अभिनेतार बटा लाभ करिसिल। परवर्ती प्रश्न लेहु एतो ऑप्शन आछे जारी प्रश्नटो आछे नामदेवर होइते कोनखन राज्य जड़ित? এতে আছে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ। চারিটা অপশন আছে, শুদ্ধ উত্তরটা হল আপনার মহারাষ্ট্র। অর্থাৎ মহারাষ্ট্র নামদেবর লগত জড়িত হয়ে আছে বা মহারাষ্ট্র রাজ্যখন জড়িত হয়ে আছে। প্রশ্নটা এপি ডিসিএলর যা এটা এক্সামত আহি গৈছিল, তারপর কালেকশন করা। নেক্সট প্রশ্নটা হয়েছে গীত গোবিন্দর রচক কোন? এটা অপশন আছে জয়দেব, বাল্মীকি, হুরদাস আর মাধবদেব। অর্থাৎ গীত গোবিন্দ বুক কিতাবখন কোনে রচনা করেছে বা লিখক লিখেছিল? উত্তরটো হৈছে জয়দেৱ। অৰ্থাৎ ক নম্বৰ জয়দেৱে গীত গোবিন্দ নামৰ কিতাপখন ৰচনা কৰিছিল বা লিখিছিল। এইবাৰ প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰাচীনতম হিন্দু মহাকাব্যখনৰ নাম কি? এটা অপশ্যন আছে মহাভাৰত, ৰামায়ণ, ভাগৱত গীতা আৰু বেদ। চাৰিটা অপশ্যন আছে, আপুনি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিব লাগে। এইবাৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ৰামায়ণ। অৰ্থাৎ ৰামায়ণ আটাইতকৈ প্ৰাচীন হিন্দু শাস্ত্ৰ বা মহাকাব্য। প্রশ্নবিল বিভিন্ন এক্সামত পার হয়ে গেছে আর ভিডিওটি কেনকে হয়েছে আপনাদের জানাব কমেন্ট সেকশনত, আর কোনবিল টপিকর উপর আপনাদের ভিডিও বিচার সেইটা আপনাদের কমেন্ট করে দিব, আমি দিবলে চেষ্টা করে যাম। থ্যাংক ইউ।